कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़की से जो अपने पिता क्वान के साथ लंदन में किसी दुकान से ड्रेस खरीदने जा रही थी। जब क्वान गाड़ी पार्क कर रहा था तो वो लड़की पहले ही दुकान में घुस गई क्योंकि वो ड्रेस को खरीदने के लिए काफी एक्साइटेड थी। उसी पल अचानक वहाँ जबरदस्त धमाका हो गया और वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी चपेट में आ गए। जब क्वान की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि ये धमाका तो कपड़े की दुकान में हुआ था। इसके बाद हम एक ऑफिस देखते हैं जहाँ काम करने वाले एक आदमी को किसी ने फोन करके कहा कि आज जो बम धमाका हुआ वो IRA ग्रुप ने किया था। उधर धमाके की जगह पर एक फोटोग्राफर घटना की तस्वीरें ले रहा था जहाँ क्वान अपनी मरी हुई बेटी को सीने से लगाकर बुरी तरह रो रहा था। फिर अगले दिन हम लियम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ सो रहा था। अचानक उसे IRA के बम धमाके की खबर मिली तो उसके होश उड़ गए और तभी अचानक उसकी पत्नी का फोन आ गया। जब लियम ने फोन उठाया तो मैरी ने उससे पूछा कि वो कहाँ था, तो लियम ने झूठ कह दिया कि बेबी मीटिंग में। उधर क्वान घर आकर अपनी बेटी के कमरे में गया और वहाँ मौजूद हर एक चीज उसे अपनी बेटी की याद दिला रही थी। वहीं लियम एक मीटिंग में पहुंचा और अपने साथियों से मिला। उसने सबसे कहा कि ये धमाका हमने नहीं बल्कि किसी और ग्रुप ने किया है जो खुद को IRA बताकर आतंक फैला रहा है। तब ये खुलासा होता है कि लियम और उसके साथी ही असली IRA ग्रुप है। अंत में लियम ने सबको गहरी जांच का हुक्म दिया ताकि जल्द से जल्द इन हमलावरों को पकड़ा जा सके। उधर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम भी जांच में जुटी हुई थी और उन्हें एक बाइक वाले पर शक हो गया। तभी उन्हें फोन आया कि एक चाइनीज आदमी फिर से ऑफिस में आया है। ये कोई और नहीं बल्कि क्वान ही था जो अपनी बेटी की मौत के बाद हर रोज वहाँ आ रहा था। आखिरकार कमांडर ब्रोमले खुद उससे मिलने गया। क्वान ने उसके सामने काफी सारे पैसे रखकर कहा कि उसे सिर्फ अपनी बेटी के हत्यारों का नाम चाहिए, पर ब्रोमले ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आखिरकार क्वान बिना कुछ कहे वापस लौट आया। इसके बाद उसने लियम का इंटरव्यू देखा जिसमें लियम ने कहा कि इस धमाके में असली IRA का कोई हाथ नहीं है। तभी उसकी दुकान में काम करने वाली लड़की उसके कमरे में आ गई। उसके कमरे की हालत देखकर लड़की ने खिड़कियां खोली और क्वान को कुछ खाने को कहा। उधर इंटरव्यू के बाद लियम की सेक्रेटरी ने उसे बताया कि एक चाइनीज आदमी उससे बात करना चाहता है। जब लियम ने फोन उठाया तो क्वान ने सीधा सीधा पूछा कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्वान उससे ये सब इसलिए पूछ रहा था क्योंकि लियम IRA का डेप्यूटी मिनिस्टर था। तब लियम ने उससे कहा कि मिनिस्टर होने के बावजूद भी वो नहीं जानता कि हमलावर कौन थे। पर अब क्वान ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी करना पड़े वो अपनी बेटी के हत्यारों को तो ढूंढ कर रहेगा। उसने अपनी सारी यादें चला दी और तब हमें पता चला कि उसकी पत्नी और दूसरी बेटी को समुद्री डाकुओं ने मार दिया था। तभी वो पहले वाली लड़की उसके कमरे में आई और कहने लगी कि वो अब से क्वान का ध्यान रखेगी, पर उसके मुड़ने से पहले ही क्वान घर से निकल चुका था। इसके बाद क्वान ने अपने मिशन के लिए जरूरत की सारी चीजें खरीदी और फिर अपनी वैन को गार्डनिंग का सामान बेचने वाली वैन बना दिया। फिर वो सीधा लियम के ऑफिस में उससे मिलने पहुंच गया। क्वान ने एक बार फिर से उससे हथियारों का नाम पूछा, पर लियम ने फिर से वही कह दिया कि भाई मैं नहीं जानता। वहां से निकलने से पहले क्वान ने बाथरूम में जाकर जुगाड़ करके एक छोटा सा बॉम्ब बनाया और उसके जाते ही वहां धमाका हो गया। हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ, पर लियम समझ गया कि क्वान चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। तभी लियम को फोन आया और क्वान ने फिर से वही सवाल पूछा। लियम बाथरूम के धमाके की वजह से काफी गुस्से में था, इसीलिए क्वान ने बीच में ही फोन काट दिया। उधर क्वान ने होटल में एक कमरा ले लिया और फिर नया बॉम्ब बनाने में जुट गया। आखिरकार उन्होंने क्वान की जासूसी करके उसका पता ढूंढ निकाला। वो तुरंत क्वान को गिरफ्तार करने दौड़े, पर क्वान ने बड़ी फुर्ती से उन्हें हरा दिया। जब लियम को इसकी खबर मिली तो वो गुस्से से भर गया क्योंकि उसके आदमी एक मामूली से बुड्ढे को नहीं पकड़ पाए। तभी उसकी पत्नी कमरे में आई तो लियम ने उससे कहा कि अब ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस पर चले जाना चाहिए। इसके बाद लियम का भांजा शॉन लंदन से लौटकर लियम से मिला। लियम ने शॉन को कमांडर ब्रोमली से मिलने को कहा जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड था। लियम चाहता था कि शॉन ब्रोमली से मिलकर लंदन धमाके की जांच करके असली हमलावरों को पकड़े। फिर अगले दिन लियम एक रेस्टोरेंट में गया और क्वान तो पहले ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। रेस्टोरेंट में लियम मैगी नाम की एक लड़की से मिलने आया था जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। तभी मौका देखकर क्वान ने उन दोनों की तस्वीरें खींच ली और फिर लियम को तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल करने लगा। दूसरी ओर शॉन ब्रोमली से मिलने पहुंचा। ब्रोमली को IRA पर भरोसा नहीं था, पर शॉन ने उसे कहा कि वो हमलावरों को पकड़ने के लिए खुफिया मिशन करने वाले हैं। इसके मुताबिक वो अपने हर एक ग्रुप को खुफिया कोड वर्ड देंगे। उसकी बातें सुनकर आखिरकार ब्रोमली इसके लिए तैयार हो गया।
वहीं क्वान के डर से लियम वापस अपने फार्म हाउस लौट आया और क्वान भी पास के जंगल में अपना अड्डा बसा रहा था। फिर रात को क्वान बड़ी ही चालाकी से फार्म हाउस में घुस आया और लियम के दो आदमियों को बेहोश करके वहां बॉम्ब लगा दिया। अचानक जबरदस्त धमाका हुआ जिसके बाद लियम ने सुरक्षा के लिए और आदमी बुलवा लिए क्योंकि उसने गलती से क्वान को कच्चा खिलाड़ी समझ लिया था। बाद में मैरी ने लियम से कहा कि वो अपनी बेटी के पास लंदन जा रही है। वहीं दूसरी ओर आतंकवादी एक प्लेन में धमाका करने की साजिश कर रहे थे। उधर अगले दिन फार्म पर लियम के एक आदमी की गाड़ी में धमाका हो गया। इसके बाद उसके कई आदमी क्वान को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़े लेकिन रास्ते में एक एक करके सभी क्वान के बिछाए हुए जाल में फंस गए। लेकिन अंत में एक आदमी की गोली क्वान के कंधे पर जा लगी और उसे एक जगह पर छुपना पड़ा। फिर ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो गया। वहीं दूसरी ओर लंदन में मैरी तैयार हो रही थी तभी उसके घर पर शॉन आ गया और तब ये खुलासा होता है कि उन दोनों का भी अफेयर चल रहा था। अचानक शॉन को लियम ने फोन करके कहा कि उसे कल किसी भी हालत में फार्म हाउस पर पहुंचना होगा। असल में लियम क्वान की वजह से बेहद परेशान हो चुका था। खैर फिर मैरी ने शॉन को अपना दुख सुनाया। वो लियम से नफरत करती थी क्योंकि कुछ साल पहले मैरी के भाई पैट्रिक को कुछ लोगों ने मार डाला था। मैरी चाहती थी कि उनके कोर्ट जाने से पहले ही लियम उन्हें मार दे पर लियम ने ऐसा नहीं किया और आज लियम की ही वजह से उसके भाई के हत्यारे जिंदा घूम रहे हैं। खैर शॉन ने जैसे तैसे उसे शांत किया। वहीं दूसरी ओर क्वान की आंख खुली और उसने अपने घाव पर मरहम लगाई और तब उसे वो रात याद आई जब उन पर समुद्री डाकुओं ने हमला करके उसकी पत्नी और बेटी को मार डाला था। उधर लियम को खबर मिली कि क्वान कई साल पहले US फौजी था और वो एक बेहद खतरनाक सिपाही है। तभी लियम का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया और उसने कहा कि अब लियम में पहले जैसा जोश नहीं रहा, मगर लियम ने कहा कि अब वो शांति से मामला सुलझाना चाहता है। अपने दोस्त के जाने के बाद लियम को एहसास हुआ कि उसकी बंदूक गायब थी और तभी अचानक क्वान उसकी बंदूक लेकर उसके सामने आ गया। उसने एक बार फिर से अपनी बेटी के हत्यारों के नाम मांगे। जब लियम ने कुछ नहीं बताया तो क्वान ने उसे कोड वर्ड्स वाले प्लान के बारे में बताने को कहा। उसका प्लान सुनकर क्वान ने उसे 24 घंटे की मोहलत दे दी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मैडी एक डबल डेकर बस से उतरी और कुछ ही पलों बाद बस में एक जबरदस्त धमाका हो गया जिसमें 16 लोग मारे गए। इससे खुलासा हुआ कि मैगी भी आतंकवादियों से मिली हुई थी। इसके बाद ब्रोमली ने लियम को फोन करके बताया कि इस धमाके में किसी आतंकवादी ने कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। इसके बाद लियम के आदमियों ने उसे खबर दी कि उसका भांजा शॉन 2 घंटे के लिए उसकी पत्नी के साथ था। खैर जल्द ही शॉन लंदन से वापस आ गया और क्वान का खात्मा करने जंगल की ओर निकल पड़ा। उधर आतंकवादी आपस में बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने एक लैपटॉप की बैटरी के रूप में बॉम्ब बनाया था। वहीं दूसरी ओर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक आतंकवादी की पहचान कर ली थी और उसे IRA के एक आदमी से बात करते हुए भी देखा गया था। ये देखकर ब्रोमली ने लियम को खबर दी कि ये IRA का आदमी ही है जो इन आतंकवादियों की मदद कर रहा है। अब अगर लियम ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खबर मिलते ही लियम गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने दोस्त के सर पर बंदूक रख कर उसे हमलावरों के नाम बताने को कहा। गुस्से में लियम ने उसके पैर पर गोली मार दी तो उस आदमी ने सब कुछ सच उगल दिया और तब हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी मैरी भी सब में शामिल थी। आखिरकार लियम ने अपने दोस्त को जान से मार डाला। वहीं दूसरी ओर मैगी पब में मिले आदमी के साथ सो रही थी। जैसे ही वो बाथरूम गया तो मैगी ने उसके लैपटॉप की बैटरी निकाल कर उसमें बॉम्ब फिट कर दिया। वहीं दूसरी ओर शॉन ने जंगल में क्वान को ढूंढ लिया। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई पर अंत में क्वान जीत गया और उसने शॉन को एक पेड़ से बांध दिया। फिर क्वान ने उससे हमलावरों का नाम पूछा। शॉन को पहले ही लियम ने सब कुछ सच बता दिया था। शॉन के पूरी सच्चाई उगलने पर क्वान ने उसे आजाद कर दिया जिसके बाद शॉन सीधा लियम के पास पहुंचा। लियम ने कहा कि वो उसके और मैरी के अफेयर के बारे में सब कुछ जानता है। वो ये भी जानता है कि मैरी ने ही हमलावरों को कोड वर्ड्स के बारे में बताकर लियम को फंसाने की कोशिश की थी क्योंकि वो उससे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी। लेकिन अब लियम चाहता था कि शॉन उसका एक आखिरी काम करने के लिए लंदन जाए। उधर लंदन में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उस बिल्डिंग को घेर लिया था जहां वो आतंकवादी मौजूद थे, पर इससे पहले ही क्वान उनके कमरे में मैकेनिक का भेस बनाकर घुस चुका था। अचानक उन्होंने क्वान की राइफल देखी तो उनमें जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और क्वान ने अकेले ही बड़ी बहादुरी से सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसने मैगी को जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद मौका देखकर क्वान वहां से भाग निकला। जब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंचे तो पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। आखिरकार उन्होंने मैगी को गिरफ्तार कर लिया और उससे आगे होने वाले धमाके के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली। मैगी ने बताया कि आज एक एरोप्लेन में बम धमाका होगा और ये बॉम्ब एक आदमी के लैपटॉप में फिट किया गया है।
इसके बाद उन्होंने तुरंत एयरपोर्ट को खबर की और खुशकिस्मती से वहाँ की सिक्योरिटी ने एन वक्त पर उस आदमी का लैपटॉप छीनकर दूर फेंक दिया, जिससे बहुत से लोगों की जान बच गई। इसके बाद ब्रोमली को खबर मिली कि आतंकवादियों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्वान ही था। वहीं शॉन ने मैरी को गोली से मार डाला क्योंकि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। आखिरकार जब लियम अपने होटल पहुंचा तो क्वान ने वहां आकर उसे मैगी के साथ वाली तस्वीरें दिखाई। अगर ये तस्वीरें बाहर आ गई तो लियम भी जेल में जाएगा, क्योंकि मैगी भी आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी और इस तस्वीर से ये साबित हो जाएगा कि लियम भी उनके साथ शामिल था। खैर, अंत में क्वान अपनी दुकान पर वापस लौट आया और ब्रोमली को इसकी खबर मिली। उसके आदमियों ने उससे पूछा कि क्या उन्हें क्वान को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक काफी खतरनाक आदमी है। पर ब्रोमली ने क्वान को अकेला छोड़ देने को कहा, क्योंकि उस आदमी ने जो भी किया अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए किया। अंत में उसकी दुकान में काम करने वाली उस लड़की ने क्वान को चूम लिया और क्वान ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।